Hey, what's up? This is Khushbu with another question of applications of trigonometry. This is 9th question from exercise 9.1, page number 204 from NCERT. This says the angle of elevation of a top of a building from the foot of the tower is 30 degree and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. The tower is 50 meters high. Find the height of the building. So, two things are given, a building or a tower. So, tower obviously building se lamba hoga. ये हमारी बिल्डिंग है. टॉवर की हाइट हमें गिवन है 50 मीटर्स. नाउ लेट्स सपोज टॉवर को ले लेते हैं ए बी, इसको लेते हैं सी डी. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री. बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 degrees. And angle of elevation of top of the tower from the foot of building. Tower ka top from foot of building ye ban raha hai 60 degree. Find the height of the building. To main building ki height nikalni hai. So sabse pehle hum let kar lete hain, let the height of the building be CD. अब आप एंगल देखते हैं किसके अंदर आ रहा है. जैसे हमारे पास एंगल ये फर्स्ट वाला 30 डिग्री आ रहा है इसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर. इसमें हम 60 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे. BCD में आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है. सो इन ट्राइंगल BCD. अब हमारे पास यहाँ पर एंगल है, हमें ये दोनों चीजों पे लगाना है. हाइपोटेन्यूज की हमें नीड नहीं है क्योंकि हमें निकालनी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये चाहिए. तो इसके लिए हम इसको इसलिए यूज नहीं कर रहे बिकॉज ये वाली जो बेस है वो इस ट्राइंगल के अंदर भी कॉमन है, दूसरे में भी. तो हाइपोटेन्यूज लेने का फायदा नहीं, इसलिए परपेंडिकुलर और बेस ले रहे हैं. सो टैन लगाएंगे परपेंडिकुलर और बेस के लिए. टैन 30 होता है पी बाय बी, परपेंडिकुलर है सी डी एंड बेस इज बी सी. सो टैन 30 इज 1/3 सी डी अपॉन बी सी. सो यहां से हमारे पास सी डी बाय बी सी ये वैल्यू आ चुकी है और BC की वैल्यू यहां से आ जाएगी CD रूट 3. ये वैल्यू आ गई BC की. सेम केस हम लगाएंगे दूसरे ट्रायंगल पर विच इज ये वाला ACB, दिस ट्रायंगल. सो इन ट्रायंगल ABC अगेन यहां पर परपेंडिकुलर और ये बेस दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने इसको तब यूज किया था. सो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर है ए बी एंड बेस इज बी सी. टैन 60 है रूट 3, ए बी है 50 बाय बी सी. बी सी यहां आ जाएगा तो ये बनेगा 50 बाय रूट 3 मीटर. वैल्यू आ गई बी सी. अब बी सी की वैल्यू को अगर हम यहां पुट करते हैं तो हमारे वैल्यू आ जाएगी सी डी की. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट, वैल्यू ऑफ सेकेंड इन फर्स्ट, तो बी सी की जगह पर आपके पास आता है 50/3 इज इक्वल टू सी डी रूट 3. सो यहां से आपके पास बी सी की वैल्यू यह आई है सी डी रूट 3 और बी सी की वैल्यू यहां पर है 50/3. 50/3 ये वैल्यू मैंने बी सी में पुट कर दी. यहां से रूट 3 नीचे आ जाएगा, 50 बाय रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू सी डी. तो सी डी इज इक्वल टू 50/3, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 50/3 मीटर्स. ये वैल्यू आ गई आपके पास सी डी की. सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारे पास आ गई यहां से 50/3. तो पहले हमने क्या किया, छोटे वाले ट्रायंगल पे लगाया, वहां से सी डी और इस बी सी को यूज करा और टैन 30 का यूज करा, इससे हमारे पास वैल्यू आ गई बी सी की. फिर हमने दूसरे ट्राइंगल पे लगाया, वहां पर टैन 60 लगाया, पेंटिकुलर यूज किया और ये बेस दोनों में कॉमन था, इसको वापस इसके अंदर पुट किया तो हमारे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई. दिस वॉज 9th क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1 एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.